ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। बाबा हम आपसे क्या मांगें, आपसे क्या कहें, आप तो सब कुछ जानते हो। जो हम नहीं भी कह पाएंगे आप तो वो भी जानते हो। हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है आप तो वो भी जानते हो। बाबा आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से हमने सबूरी रखना सीखा। हमें लगता था कि शायद हम कभी सब्र रख ही नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है सब्र रखना, कैसे होगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से सबूरी हमारे जीवन में इस प्रकार आ चुकी है। इस प्रकार हम सब्र रखना सीख गए हैं कि कुछ भी हो जाए हमें ये मालूम है कि जो अच्छा है वो हमसे दूर कहीं नहीं जाएगा। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा ही मिलेगा। और हमारे जीवन में जब बाबा का आशीर्वाद है तो हम ना कभी गलत मार्ग पर जा सकते हैं और ना हमारे साईं हमें जाने ही देंगे। बाबा हमें हाथ पकड़ कर खींच लेंगे। बाबा हमें हमेशा वही देंगे जो हमारे लिए सही है, वही करेंगे जो हमारे भविष्य के लिए सही है। और बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जीवन में हमारा साथ देने के लिए, इतने अच्छे रिश्ते देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए। बाबा हमारे जीवन में हर सुख दुख के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुख के लिए इसलिए शुक्रिया क्योंकि आप हो तो हमारे जीवन में सुख का आगमन होता रहता है, खुशियाँ आती रहती हैं। और दुख का शुक्राना इसलिए क्योंकि दुख में भी आप मेरे साथ होते हो। कोई हो ना हो, कोई साथ दे ना दे, पर ये महसूस होता है कि बाबा तो हैं, संभाल लेंगे। दुख में एक हिम्मत मिलती है कि चिंता नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं ऐसे संकेत मिलते हैं कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये दुख का समय निकल जाएगा, ये वक्त कुछ पल के लिए है, उसके बाद ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये संकेत हमें हमारे बाबा ही तो देते हैं। बाबा ही तो हमारे अंदर हिम्मत भरते हैं, हमें हौसला देते हैं। जब हम हार जाते हैं तो किसी न किसी रूप में आकर हमें आशीर्वाद दे जाते हैं, किसी न किसी रूप में आकर हमें समझा जाते हैं। हम गलत मार्ग पर भटकने लग जाते हैं तो बाबा हमें किसी न किसी संकेतों द्वारा हमें समझाते हैं कि तुम संभल जाओ। और हम अपने बाबा के संकेतों को जब समझ जाते हैं तो संभल जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। बाबा हमें सही मार्ग पर लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, ये सब कुछ तभी संभव है जब आपको अपने बाबा पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। भरोसा ये नहीं है कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा, भरोसा ये है कि जो होगा वो अच्छा होगा, मेरे साईं मुझे जो देंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा। भरोसा इसे कहते हैं कि अगर उसने मुझसे मेरा कुछ छीन भी लिया तो कोई बात नहीं, वो अपनी पसंद का देगा तो बेशुमार देगा और बेहद खूबसूरत, बेहद अच्छा देगा। क्योंकि मेरी पसंद गलत हो सकती है लेकिन उसकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। वो अपनी पसंद का देगा तो मेरे जीवन को सुधार देगा, संवार देगा। अगर मैं ज़िद्द करके अपनी पसंद का लूँगी तो मुझे नुकसान हो सकता है। इसीलिए थोड़ा रुक जाने में क्या जाता है, अगर थोड़ा ठहर कर काम अच्छा हो रहा है तो करने में क्या बुराई है, है ना। कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं किसी काम के लिए और वो जल्दबाजी हमें ही भविष्य में नुकसान देती है। इसलिए कितनी ही देरी क्यों लग जाए लेकिन कभी जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना। जल्दबाजी आपके जीवन में आपको ही परेशानी दे सकती है, ठीक है। क्योंकि जीवन में देखिए समझाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, आपके जीवन को जिधर जाता है जाने दो, और आपको अच्छे से भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, है ना। लेकिन समझाने वाला, सही मार्ग पर लाने वाला, वो किस्मत से मिलते हैं जो सही सलाह देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं कि नहीं। और हमेशा गौर करना, जो व्यक्ति आपका भला चाहेगा ना वो आपको डांटेगा, आपको सही सलाह देने के लिए आपके हर कार्य को बहुत ध्यान से सुनेगा। और जिसे आपकी परवाह ही नहीं है उसके लिए तो आप जो भी कर लो सब चलता है,
आपका नुकसान होगा, उसका थोड़ी ना होगा। इसलिए अगर कोई कटु वचन कह रहा है और आपके लिए अच्छे हैं तो उसको मान लीजिए, ठीक है। सोच समझ कर कीजिए जो भी करना है। तो अब हम प्रार्थना करते हैं, आइए दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए, बाबा सबका ख्याल रखेंगे, बाबा सब पर कृपा करेंगे, बाबा सब पर अपना आशीर्वाद बना कर रखिए। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है ना। तो चलिए अब हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। प्रार्थना में जो नाम है, आइए अपने बाबा के चरणों में उस हर नाम से अर्जी लगाते हैं, अरदास करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप हमारी श्रद्धा की हमेशा लाज रखते हो, हमेशा हमें हर मार्ग पर हमें संकेत देते हो, हमें सुधारने हमें समझाने आ जाते हो बाबा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हो जाती हो तो हमें माफ़ कीजिएगा मेरे मालिक। तो चलिए आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की प्रार्थना के जो नाम है, बाबा के चरणों में रखते हुए आज का दिन, आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं। साई हमारी लाज रखेंगे, बाबा का आशीर्वाद हम पर रहेगा तो हर कार्य निर्विघ्न हो जाएगा। चलिए आइए जो नाम आज की प्रार्थना में है वो साई चरणों में रखते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम मैं बाबा के चरणों पर रखती हूँ और बाबा से आशीर्वाद और इन सब के अच्छे भविष्य और चिंता मुक्ति के लिए बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जिनकी जो परेशानी हो वो खत्म हो जाए, जो चिंतित हैं वो चिंतन करें और जिनकी समझ जीवन में जो भी परेशानी बाबा उसको खत्म कर दीजिएगा। तो आज की प्रार्थना के नाम है भावना जी एंड संजय जी, पायल जी, अरिजीत चक्रवर्ती जी, सीमा कौर जी, बच्चा श्वतराज, आलोक राज जी, सुष्मिता परिदा जी, हर्ष जी, साथी जी एंड चिंदी दास जी, मोहित जी, भास्कर तलुकदार जी एंड ऑल फैमिलीज। हे देवा, बाबा मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मेरी प्रार्थना की लाज रखना, मेरे परिवार की लाज रखना, मेरे परिवार के हर सदस्य के वचनों उनके भरोसे की लाज रखना। बाबा सभी पर रहम करना, सबके घर में खुशियां हो, सुख समृद्धि बरकत हो, आपका आशीर्वाद हो, मेरे साईं की जय जयकार हो, हर घर में आपका जयकारा गूंजे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हर घर में हर चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और हर जुबां पे साईं का नाम होना चाहिए। बाबा मेरी श्रद्धा की लाज रखना, हम आपके छोटे से दास हैं, हम आपके सेवक हैं और इसी प्रकार सदा सेवक बन कर रहना चाहते हैं। इन चरणों में सदा हमें लगाए रखना, हमारी श्रद्धा हमारे साईं पर बनाए रखना। हे देवा, हमारी भूल चूक को माफ़ करना और सदा अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर रखना। तो आज भावना जी और संजय जी की मैरिज एनिवर्सरी है। भावना जी एंड संजय जी, आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा हेल्दी हैप्पी खुश रखे, बाबा का आशीर्वाद आपके आपके जीवन आपके परिवार पर सदा बना रहे और आपका जीवन सदा सुखमय रहे, परिवार में खुशियाँ रहें, आपके जीवन में खुशियाँ रहें, आपके रिश्ते में खुशियाँ रहें और आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते खिलखिलाते रहें एक दूसरे के साथ जीवन भर। बाबा आपको सदा साथ और खुश रखें, लंबी आयु आप दोनों को मिले और आप दोनों सदा स्वस्थ रहें, हमारे श्री साई चरणों में यही प्रार्थना है। सुष्मिता परिदा जी का बर्थडे है, सुष्मिता जी हैप्पी बर्थडे, मालिक आपको सदा खुश रखे, हेल्दी हैप्पी रखे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, बाबा आपकी हर विश हर मनोकामना पूरी करें, आपको बहुत सक्सेस मिले, तरक्की मिले, जिस कार्य के लिए आप बाबा से प्रार्थना करें वो कार्य संपूर्ण हो जाए, हमारे श्री साई चरणों में यही प्रार्थना है। और बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा अजीत ब्रह्मा जी पर कृपा करना, उनकी समस्या का समाधान करना, रहम करना, दया करना, उनकी श्रद्धा की लाज रखना, उनके जीवन में आई परेशानी को खत्म करना, मेरे बाबा दया करना। और हमारे सोनाली आंटी जी की जो पुत्री है जिनका नाम अरात्रिका सेन गुप्ता है, बाबा उन पर कृपा करना, उनके जीवन की समस्या का समाधान करना, बाबा रहम करना, सोनाली आंटी जी की चिंता का समाधान करना, उनकी चिंता को दूर करके उनकी बच्ची पर अपना आशीर्वाद रखना बाबा, और ये अपने जीवन में बहुत सफल हो और जिस कार्य के लिए इनका सपना है वो सपना पूरा करना, इनकी मनोकामना पूरी करना बाबा, और इनके संग संग रहना,
इनकी इच्छा की जो भी मनोकामना हो इनकी पूरी करना बाबा, और रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना देवा, इनके द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करना और हर प्रार्थना को स्वीकार करना जो कि आपके चरणों में सच्चे दिल से की जाती है मेरे मालिक। हम सब की, चाहे परिवार का सदस्य छोटा है बड़ा है बाबा, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके भरोसे की लाज रखना और रहम करना। रहम का हाथ जब साई का होगा तो चिंता कहाँ आएगी पास में। और पिंकी जी की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, वो आपके चरणों में निवेदन करती हैं, आपसे प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए ताकि वो दिन भर साईं 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 रटती रहें। तो बाबा उनकी तबीयत अच्छी कर दो, रहम कर दो और ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना और अच्छी सेहत देना, रहम करना, पिंकी जी को खुश रखना देवा। और जिनके भी दिल में जो भी इच्छा है बाबा से कहिए, बाबा सबकी सुनते हैं, सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो हम तो एक माध्यम हैं और हमें बाबा के आशीर्वाद से ये परिवार मिला है, उसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत अच्छे कर्म किए थे शायद जो हमें ये परिवार मिला, और ऐसे ही इस परिवार को बहुत आगे तक लेकर जाना है। दिन प्रतिदिन प्रार्थना करनी है और सच्चे दिल से जब प्रार्थना होती है ना तो भगवान खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए, घर घर में प्रार्थना हो रही है, मेरी यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपको प्रार्थना अच्छी लगती है ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम लोग मिलकर करते हैं, यही हमारे प्रेम की निशानी है, हमारे बाबा के आशीर्वाद का संकेत है कि हम साथ हैं और बाबा का आशीर्वाद हमारे पास है, हमारे सदा सदा संग रहते हैं हमारे साईनाथ। तो चलिए ऐसे ही संकेत मिलते रहेंगे और आइए 11 वचनों के साथ प्रार्थना को संपूर्ण करना है, फिर हमारी प्रार्थना जो है संपूर्ण होगी और दिन की शुरुआत बहुत खुशी खुशी करनी है। ठीक है, चलिए साथ में मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। उदी हाथ में रख लीजिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए आइए दिन शुरू करते हैं, बाबा सबकी प्रार्थना को स्वीकार करें, बाबा सब पर कृपा करें, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।